जयरामपुर की, जहां पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पास करवाना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, इससे देश में घुसपैठियों पर रोक लगेगी। सांसद अगसाउद्दीन ओवैसी का बिल फाड़ना एक साजिश है। ओवैसी और आजम खान जैसे नेता सिर्फ सियासी रोटियां सेकते हैं। दुष्कर्मियों का एनकाउंटर करने का विरोध भी एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मंगलवार को यह बात मीडिया से कही। इससे पहले उन्होंने निरीक्षण भवन में जनता की समस्याएं भी सुनी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा खुरमे वाली ज्यारत मोहल्ले में हुए महिला सम्मेलन में भी उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदा ही महिलाओं को सम्मान दिया है। अब पार्टी सरकार बनाने के बाद इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि महिलाओं के सम्मान को जरा भी ठेस ना पहुंचे। अब उन पर अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीर हैं। नारियों के सम्मान को चोट पहुंचाने वाले अपराधियों को सबक सिखाने वाले लोगों से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी इंसान को अपना जीवन आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। मानवता पर हो रहे जुल्मों को रोकने के लिए अब सबको जागरूक होना होगा। अपने अधिकारों को समझकर उनकी रक्षा के लिए हम सबको स्वयं भी आगे आना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने संतानों को बचपन से ही अच्छे संस्कार प्रदान करें। अपने अधिकारों को लेकर भी महिलाएं जागरूक रहें। लोकसभा में सिटीजन अपार्टमेंट बिल पास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको स्वागत करती हूँ। मैंने बताई पहले भी कि ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी ये लागू करना ज़रूरी है। और इसमें हम लोगों के लिए जो खास तौर जो पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे ये बांग्लादेश के हो, तो इसमें से जो लोग हमारे देश में आते हैं तो उनके नागरिकता के लिए भी हम लोगों को एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ायदा उठाते हैं कि जो घुसपैठी आते हैं तो वो लोग ये कितना हमारे देश में सुरक्षित, हम हमारे देश सुरक्षित है कि नहीं है, इसके लिए हम लोगों को एक इस तरह का जो बिल लागू करना बहुत ज़रूरी है। और देश के सुरक्षित के लिए, देश के हमारे नागरिक के लिए एक पहचान बनाने के लिए ये बिल बहुत जल्दी इसको लाना था। अब इस संसद में लेकर आए हैं, इसके लिए हम स्वागत करना चाहिए। हम बहुत खुश हैं। लेकिन देश की जनता में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है कि ऐसे लोग जो बहुत निचले तबके से थे, रेपिस्ट थे, उनको सजा दी गई, लेकिन ऐसे लोग जो बड़े उच्च पदों पे हैं वो वही हैं और वो बात भी वही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो गरीब है या अमीर है। अगर उसके लिए अगर कोई गुनाह किया हो, वो कोई भी जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई भी जगह, कोई राष्ट्र का हो, कोई भाषा बात करने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उन दोषियों को सजा देना जरूरी क्या है। क्या मानते हैं कि ऐसे लोग जो उच्च सदन में बैठे हुए हैं या कहीं ना कहीं उच्च पदों पे हैं और रेप के आरोपी हैं? देखिए, रेप में मैं तो वही बता रही हूँ ना, किस पद पे बैठे हैं, किस पद पे नहीं बैठे हैं, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए एक है। जैसे कि आदम खान साहब कह रहे हैं कि पहले भी इसी सवाल को लेकर के देश बटा था और अब भी बट रहा है, 1947 में ही बटा था, उस पर क्या कहना? देखिए, आजम खान साहब तो मैंने बार बार बोला था, पर मेरे बात से आप उनके नाम से मत बोलिए, लेकिन मैं अपने दिल से जो लोगों को जो कहना है वो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। आजम साहब की आदत है हर बात पे विरोध करने का, तो यही आदत है, आदत से मत बोलिए। मैडम, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।